चौरी चौरा थाना क्षेत्र में 23 सितंबर को 2,50,000 रुपए की लूट की घटना फर्जी निकली, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि 23 सितंबर को वादी अजय कुमार पुत्र स्वर्गीय चंद्रभान प्रसाद निवासी ग्राम सरैया मरचहवा एमपी टोला पोस्ट सरदार नगर थाना चौरी चौरा जिला गोरखपुर द्वारा सूचना दी गई कि दो बाइक से चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा थाना क्षेत्र के शत्रुधनपुर पब्बन टोला के पास से बैग में रखा 2,50,000 रुपए व जेब से 1,700 रुपए छीन लिए गए, जिसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना वादी के दौरान अजय कुमार ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह रुपया दिनांक 23 सितंबर को अपने मित्र विजय निगम जिला देवरिया से लिया है। विजय निगम से वार्ता की गई तो बताया कि मैंने कोई रुपया नहीं दिया है। वादी मुकदमा से दोबारा वार्ता की गई तो बताया कि मेरे बुआ के लड़के हरेंद्र पासवान पुत्र वकील पासवान जिला देवरिया से 2,00,000 रुपया उधार लाया हूं। जब हरेंद्र पासवान से वार्ता की गई तो हरेंद्र पासवान ने बताया कि मेरी माता का निधन हो गया है, उसी की गमी में आया था, लेकिन इनके द्वारा मुझसे किसी रुपए की ना तो मांग की गई है और ना ही मैंने कोई रुपया इन्हें दिया है। वादी मुकदमा से दोबारा पूछताछ की गई तो बताया कि मैं forces.iu से पैसे कमाता था। विगत 3-4 महीनों में मैंने करीब 70,000 जोड़ा था, वही रुपया मुझसे लूटा गया है। जब वादी मुकदमा से रुपया 70,000 के संबंध में विवरण मांगा गया तो उसके संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका तथा बताया कि मेरा केवल 1,700 रुपए को ही लूट हुई है। मेरे रुपए 2,50,000 की लूट नहीं हुई थी। वादी द्वारा FIR में वर्णित तथ्यों व घटना के बाद मौके पर अधिकारियों द्वारा पूछताछ किए जाने पर घटना से पूर्व अपनी गतिविधियों और मूवमेंट के बारे में जो तथ्य बताए गए थे उनको जब सर्विलांस व अन्य माध्यम से तस्दीक करने पर काफ़ी भिन्नताएं सामने आई। इस संबंध में वादी से कड़ाई से पूछताछ करने पर वादी मुकदमा के द्वारा बताया गया कि मैंने अपनी बहन की शादी में कई लोगों से रुपया उधार लिया था व एक जमीन में मेरा 10,00,000 रुपया फंस गया है तथा मेरे जानने वाले प्रिंस से 1,00,000 व रमेश यादव से 8,00,000 व दीपक से 2,00,000 रुपये एक साल पहले उधार लिया हूँ और कई लोगों से भी उधार लिया हूँ। मेरे ऊपर करीब 18,00,000 रुपये का कर्ज है। ये लोग बार बार मुझसे रुपये मांग रहे थे। बार बार रुपया मांगने के कारण मैं मानसिक रूप से तनाव में आ गया था। तगादे से बचने के लिए मैंने मनगढ़ंत कहानी तैयार कर झूठा मुकदमा लिखा दिया जिससे वे लोग रुपए की मांग ना करें। इस प्रकार वादी मुकदमा द्वारा लिखाया गया लूट का मुकदमा पूर्ण रूप से फर्जित एवं मनगढ़ंत पाया गया, जिसके ऊपर उल्टा मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 20,000 का पुरस्कार दिया जाता है। फर्जी लूट का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी उमेश कुमार बाजपेयी, एसओजी टीम प्रभारी मनीष यादव, सर्विलांस सेल प्रभारी राजेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, जितेंद्र यादव, कांस्टेबल प्रिंस कुमार राय, पिंचू कुमार, अजय कुमार सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोवर ने कहा, गोरखपुर के थाना चौरी चौरा में 23 तारीख को अजय पासवान जो कि सरदार नगर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक सूचना दी गई कि 5:30 से 6 बजे के बीच में जब ये रुद्रपुर से अपने घर की तरफ आ रहे थे तो चार व्यक्तियों ने जो कि दो मोटरसाइकिल जिनके पास थे उन्होंने इनको रास्ते में रोका। इनके साथ 2,50,000 रुपए की लूट की गई और फिर वो वहाँ से भाग गए। इस सूचना को प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके का मुआयना किया गया। सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा मेरे द्वारा स्वयं मौके का मुआयना किया गया और इस घटना के बारे में उनसे डिटेल्ड पूछताछ की गई, उनकी गतिविधियों के बारे में, उनकी मूवमेंट के बारे में। उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर तत्काल लूट का मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया गया और उसी के आधार पर विवेचना शुरू की गई। इनके द्वारा ये बताया गया था कि इनके एक जानने वाले व्यक्ति से इन्होंने ये 2,50,000 रुपये घटना से पूर्व इनके द्वारा लिए गए थे। जब उस व्यक्ति से जानकारी की गई तो उसके द्वारा इस तथ्य से इनकार किया गया और बताया गया कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी पैसा इनको नहीं दिया गया। इसको सर्विलांस के माध्यम से वेरीफाई भी किया गया। जब ये तथ्य इनके सामने रखे गए तो वादी द्वारा अपने कथनों में परिवर्तन किया गया और बताया गया कि उनके एक रिश्तेदार जो कि प्रधान हैं उनसे उन्होंने 2,00,000 रुपये लिए थे जो कि वो कैश लेकर के आ रहे थे। इस तथ्य की भी जानकारी उनके रिश्तेदार से जब की गई तो उसके द्वारा भी ऐसी किसी भी पैसे देने की बात से इनकार किया गया। जब ये तथ्य इनके सामने रखे गए तो इनके द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन इनके द्वारा कोई गेम या कोई ऑनलाइन साइट के माध्यम से इनके द्वारा 70,000 रुपये कमाए गए थे जो कि उस बैग में थे जो कि लूटे गए हैं।
उसके बारे में जो विवरण मांगा गया कि वो कैश के वो जो पैसे हैं वो किस माध्यम से आपके पास कैश में आए थे, तो उसका भी ये जवाब नहीं दे पाए। इस तरह से कई बार इनके द्वारा अपनी जो इनके कथन है उसमें परिवर्तन किया गया। जब कड़ाई से इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा ये झूठी सूचना पुलिस को दी गई थी। तथ्य ये है कि इनके ऊपर विगत कई सालों से 18 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। डेली इनके इनसे जो जिनके द्वारा इनको पैसा दिया गया था वो डेली इनसे तगादा करते थे, इनसे पैसे मांगते थे। इसी चीज़ से शुभ्ध होकर इन्होंने एक योजना बनाई कि अगर मैं लूट की इस वारदात की मनगढ़ंत कहानी को बनाकर ऐसे मुकदमा लिखवाऊँगा तो जो इनसे पैसे मांगने वाले हैं सहानुभूतिपूर्वक इनसे वो पैसा मांगना बंद कर देंगे। इस पूरी घटना का जो अनावरण है वो इनके द्वारा बताए गए अपनी FIR में इनके द्वारा जो कथन किए गए थे, प्लस इनका जो मूवमेंट हुआ, इनकी जो गतिविधियां हुई सर्वलांस से जब इन चीज़ों को चेक किया गया तो ये सारी चीज़ें झूठी पाई गई हैं। इनके द्वारा जो मुकदमा लिखवाया गया है उस मुकदमे की जो धाराएँ हैं उनको तरमीम करके इनके विरुद्ध धारा 193 और धारा 420 के तहत उन धारा को तरमीम किया जा रहा है, उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।